नमस्कार, मैं कमलेश मेहता, पार्षद नगर निगम शिमला। जैसा कि आप सबको मालूम है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। इस आपदा की घड़ी में हम और हमारा भाजपा परिवार आपके साथ सदैव खड़ा है। इस महीने की 30 तारीख को राखी का पवित्र त्यौहार भी है। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों की घोषणा की थी। उन गारंटियों में से एक गारंटी थी हर महिला को हर महीने 1500 देने। माननीय हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन, भाई दूज और करवा चौथ पे बसों में यात्रा की फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई थी और कामकाजी महिलाओं को एक दिन का अवकाश की भी घोषणा की थी। इससे पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी की सरकार थी, तो उन्होंने हर महिला को 50% बसों में किराया माफ़ किया था। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री सुखविंदर सुक्खू जी, इस राखी के पवित्र अवसर पर आपने जो महिलाओं को 1500 देने का वादा किया था, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो आप पूरा करें, क्योंकि आपको सत्ता में आए हुए तो काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन हमें अभी तक वो 1500 नहीं मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पवित्र अवसर पर वो 1500 हमें मिले, जिससे कि हर महिला जिन्होंने आपको वोट किया है वो अपने को ठगा सा महसूस ना करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी आशा के साथ इस रक्षाबंधन में मैं आपसे करवत निवेदन करती हूँ कि वो 1500 रुपये अवश्य दें।